अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जद्दतुल सेकुलर अलहाज नासिर उस्ताद साहब के हिदायत पर उड़पी डिस्ट्रिक्ट में जो कुंदापुर गांव है वहां पर कॉलेज में जो मुस्लिम खवातीन जो लड़कियां हैं जब कॉलेज जा रहे थे उन्हें वहां के प्रिंसिपल ने और वहां के टीचर्स ने मिलकर उनको गेट पे रोका। यहां पर जो प्रिंसिपल है वो अपनी बदमाशी कर वहाँ के आरएसएस की लॉबी और वहाँ के एमएलए की बात सुनकर वहाँ पर हमारे मुस्लिम खवातीन जो लड़कियाँ जो स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम करीब हैं ऐसे टाइम पर उनको बाहर गेट के पास रुकाया गया है। पिछले 15 दिन से ये चल रहा है मसला। आज जनता दल सेकुलर अलहाज नासिर साहब के हिदायत पर सुबह 8 तारीख सुबह 11 बजे जो जगत सर्कल से रैली निकलेगी डीसी ऑफिस तक चलेगी, तो मैं खासकर मुस्लिम खवातीन और हमारे उलमा इकराम और नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि इस एहतजाज में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत फरमाइए, एहतजाज को कामयाब कीजिए, क्योंकि आज गुलबर्गा शहर में हिंदू बहनें भी हिजाब करते हैं और मुस्लिम बहनें भी हिजाब करते हैं। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स ऑफ हमें दिया गया है ये आइडियोलॉजी जो इसको ख़त्म करने की ये पॉलिसी चल रही है, तो मैं खासकर यहाँ पर मुस्लिम नहीं बल्कि हमारे हिंदू बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में आइए, इस प्रोटेस्ट को कामयाब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरोज मंगल 8 फरवरी सुबह 11 बजे जगत सर्कल से लेकर डीसी ऑफिस तक एक प्रोटेस्ट रैली रखी गई है। इस प्रोटेस्ट रैली का मकसद ये है जिस तरह पिछले 15-20 दिनों से उड़पी और कुंदापुर में हिजाब के इश्यूज को एक कम्युनल हारमोनियम का माहौल दिया गया है, उसको एक सूरत दी गई है, उसी के खिलाफ उन भगवादारी आतंकवादियों के खिलाफ जिस तरह से आरएसएस के आइडियोलॉजी को लेकर वहां का प्रिंसिपल हमारे बच्चियों को रोक रहा है अंदर आने से, उस प्रिंसिपल के खिलाफ एक एहतजाज रखा गया है। तो मैं तमाम शहर के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि इस एहतजाजी रैली में शिरकत कर इस एहतजाज को कामयाब बनाए। इस एहतजाज का असल मकसद यह है कि हमें हमारा संविधान इजाजत देता है कि हम किस तरह से कपड़े पहने, हमारे जो ड्रेस होते हैं वो हमारी पसंद के हम पहनते हैं, क्या हमारी माँ बहनों को हिजाब करने की भी आज़ादी नहीं, हिजाब लगाने की भी आज़ादी नहीं है। ये चड्डीधारी ये भगवाधारी लोग अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए तमाम धर्म में एक दूसरे के बीच में नाइतफाकी डालकर लड़ाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं चड्डीधारी लोगों के खिलाफ हमें एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज जनता दल सेकुलर के बैनर तले होने जा रहा है, क्योंकि आज हमने देखा है कई एक लीडर्स भी एहतजाज करते हैं, कई एक एमएलएज भी एहतजाज करते हैं, लेकिन कुल जमात वो एनजीओ ये जो इशू है अब हम ऐसे इश्यूज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये ऐसे तमाम इश्यूज को जो माइनॉरिटी के खिलाफ जो इश्यूज हैं इन इश्यूज को हम असेंबली में रेस करने के लिए हमारे लीडरों से बात कर चुके हैं। हमारे कायदे मोहतरम अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने एच डी कुमार स्वामी साहब से बात किया और एच डी कुमार स्वामी साहब ने हमें तयखुन दिया है कि इस इश्यूज को असेंबली में रेस करेंगे और हमें उन जो वहां का जो प्रिंसिपल है उसको सस्पेंड करने की डिमांड करेंगे। इसी जमन में हम लोगों ने शहर गुलबर्गा में एहतजाज रखा गया है, क्योंकि ये एहतजाज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें पॉलिटिकल पार्टी से एहतजाज करना जरूरी है। ये एनजीओ से वो एनजीओ से हम लोगों ने बहुत एहतजाज किया, हमारे मेमोरेंडम उठाकर एक कोने में फेंका जाता है, कचरे के डब्बे में फेंका जाता है, लेकिन अब हम खामोश नहीं रहेंगे। अब हम क्योंकि आप लोगों ने देखा है तमाम चीजों पे प्रोटेस्ट होते हैं, आज कर्नाटका स्टेट में कांग्रेस पार्टी भी है लेकिन कांग्रेस पार्टी कोई माइनॉरिटी इश्यूज पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, असेंबली में आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों के सामने हमारे सामने एक ताकतवर पार्टी जो रीजनल पार्टी है जो माइनॉरिटी के इश्यूज को उठा सकती है, जो माइनॉरिटीज के इश्यूज को रेस कर सकती है, ऐसी पार्टी है जनता दल सेकुलर। हमें तयखुन दिया है कुमार स्वामी साहब ने भी कि इस इश्यू को रेस करेंगे और हमेशा माइनॉरिटी पे जो भी इश्यूज आएंगे माइनॉरिटी के वो इश्यूज को जो है असेंबली में रेस करेंगे। तो मैं एक बार फिर तमाम शहर के आवाम से बिलखसूस
जितने स्टूडेंट हैं, मेरी उन बहनों से, मेरी उन बच्चियों से अदबन गुजारिश है कि उस दिन बरोज मंगल 8 फरवरी जगत सर्कल पे आकर, वहां से डीसी ऑफिस जाकर जो बच्चियां वहां पे प्रोटेस्ट को बैठे हैं, जो बच्चियों को रोका जा रहा है हिजाब के लिए, उनका साथ दें और उनकी हिम्मत अफजाई करें। अगर जरूरत पड़ती है हमें तो हम जनता दल सेकुलर की टीम लेकर उड़पी और कुंदापुर भी जाने के लिए हम हिचकिचाएंगे नहीं। हमें वहां भी जाना पड़े तो हम वहां भी जाने के लिए तैयार है। तो एक बार फिर मैं बिलखुसूस अपील करता हूँ शहर गुलबर्गा के गयूर आवाम से के वक्त की पाबंदी करते हुए सुबह 11 बजे 8 फरवरी बरोज मंगल जगत सर्कल पे जमा होकर इस एहतजाज को कामयाब करें। शुक्रिया।